एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यह भाई आपका चंद्रशेखर लोधी और मैं लेके आ चुका हूँ एक और नया व्लॉग। दिवाली के बाद नवरात्रि के बाद दिवाली आ गई और दिवाली के बाद अब ये वीडियो आ रही है। तो दिवाली का व्लॉग मैंने अपलोड किया था और पता नहीं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, सो जिसके कारण वीडियो को डिलीट करना पड़ा। अब ये पता नहीं कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो मुझे डिलीट करना पड़ा, नहीं तो फिर मेरा चैनल खतरे में पड़ सकता था। तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो काफ़ी लोगों ने देखा भी था वो वीडियो, दिवाली का था जिसमें मैंने पटाखे क्रैकर्स वगैरह फोड़े थे, लेकिन अब उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर सकता गाइस। तो मैं बता दूं कि मेरा फ्रेंड जो दक्ष, आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉग में, और अभी वो चला गया है पढ़ाई के लिए बाहर। तो अभी शहर से बाहर मतलब कोटा चला गया है पढ़ाई के लिए, तो अभी वो देखते कब आता है कब नहीं। और मैं ज़्यादातर व्लॉग्स मेरे दोस्ती के साथ, जब भी मैं कहीं जाता था तो उसी के साथ जाता था। और थोड़ा मैंने बाहर निकलने में थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है ना, जैसे गाइस जैसे अपना जो सपोर्ट रहता है या कोई भी दोस्त रहता है, तो यदि आप उसके साथ जाते हो तो हाँ थोड़ा सा कि हाँ ये भाई है, तो मतलब सपोर्ट टाइप का रहता है। मतलब ऐसा जैसे रोड पे ट्रैवल करते और व्लॉग शूट करते तो कहीं गाइस कोई देखने लगता है तो थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है ना। ऐसा आप लोग ने भी रियलाइज़ किया होगा, तब भी आप जो व्लॉगिंग करते होंगे तो उनको लगता होगा। और जो सारे क्रिएटर्स हैं तो जो वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पर, और जैसे टेक की वीडियोज़ हुई, गेमिंग की वीडियोज़ हुई, तो उसमें मतलब कहीं बाहर नहीं जाना रहता। लेकिन जो व्लॉगिंग एक कैटेगरी है यूट्यूब पर, तो गाइस ट्रैवल करना ही पड़ता है उसमें। और जैसे आप ऐसा भी है कि डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी पहले बहुत दो चार वीडियोस डेली व्लॉगिंग की अपलोड की थी, लेकिन गाइस क्या है ना कि कंसिस्टेंसी रेगुलरली आपको रखना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। अभी मैं भी स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एडमिशन हो चुका है स्कूल में, लेकिन मैंने भी एक सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है, और अभी रखा है नहीं उसको पढ़ भी रहा हूँ मैं, तो इसके कारण वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। सो अभी सनसेट भी हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ, सनसेट तो हो चुका है वैसे, लगभग अभी 5:30 बज रहे, पता नहीं चल रहा है कि दिन इतने जल्दी निकल जाता है, समय सुबह से शाम हो जाती है। और गर्मियों के टाइम पे लेट होता था मैं, 6:30 बजे भी देखता था ना गाइस, तो ऐसा लगता था कि नहीं अभी सनसेट नहीं हुआ है, मतलब उजाला रहता था। और अभी देखो गाइस अभी 5:30 बज रहे हैं और देखिए सनसेट हो चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सनसेट, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करने जाऊँगा, देखता हूँ अगले संडे तक, अभी आज सैटरडे हो गया तो अगले संडे मैं ज़रूर से व्लॉग बनाऊँगा, कहीं भी बाहर जाऊँगा शूट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को अपडेट दे दी जाए। ये देखिए गाइस पूरा यहाँ पे पूरा रेड रेड हो चुका है, ये ऑरेंज यहाँ पे पूरा हो चुका है गाइस। ये मैं बता दूँगा गाइस कि हमारे यहाँ पे जो टावर लगा है एयरटेल टावर, सो गाइस ये पक्षी कबूतर चले जाते हैं और सुबह निकल जाते हैं और शाम को यहीं पे आ जाते हैं, रात को यहीं पे रुक। 1 घंटे हो गया लगभग मैं ऊपर ही घूम रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लिया जाए क्योंकि आप लोग को थोड़ी अपडेट मिल जाए। जैसे अपन वीडियो अपलोड करते हैं तो कंसिस्टेंसी मैटर जरूर करती है, लेकिन गाइस उस पर चैनल पर फोकस रहना और अच्छा अच्छा कंटेंट ढूँढना कि हाँ कि ऑडियंस को क्या दिखाया जाए, ये सारी चीज़। तो ये देखिए पक्षी यहाँ पर, अभी ये कबूतर ऐसा टावर के गोल गोल ऐसे राउंड लगाते और फिर बैठते हैं, देखना अभी और आएंगे बहुत से, देखिए वो भी आ रहा है, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। गाइस मैं बता दूं कि पक्षी जो है ना तो वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो रहता है ना कि जहाँ पे बचपना हुआ है और वहीं पर आके रुकते हैं और बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं गाइस, लेकिन भूलते नहीं हैं, रात भी हो जाती ना फिर भी ऐसा रहता है कि पक्षी यहीं पे रुकेंगे, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे,